One end of a U-tube containing mercury is connected to a suction pump and the other end to atmosphere. सिचुएशन समझो क्या है, एक यूट्यूब है इस तरह की, और उसका एक एंड जो है वो सक्शन पंप से कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा एंड एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, ये पी नॉट में खुला हुआ है और ये वाला एंड एक सक्शन पंप से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ए स्मॉल प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन बिटवीन द टू कॉलम्स, थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, इसका मतलब सक्शन पंप ने क्या 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 होगा कि लिक्विड को थोड़ा सा अपने अपनी तरफ खींच के रखा होगा, यहाँ प्रेशर कम कर रखा होगा, तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, मरकरी कॉलम की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी और इस तरफ मरकरी कॉलम की हाइट थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। यहाँ जो प्रेशर होगा इस तरफ, यहाँ प्रेशर होगा पी नॉट और इधर जो प्रेशर होगा पी, ये पी नॉट से थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस बनाया हुआ है सक्शन पंप ने, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा इसको खींच के रखा होगा, ये सक्शन पंप यहाँ कनेक्टेड होगी इस तरह से, ये कुछ पंप होगी ये इस तरह से और इसने एयर को खींच के अपनी तरफ रखा होगा, तो लिक्विड में कुछ लेवल में डिफरेंस होगा प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से, ठीक। अब कह रहे हैं शो दैट व्हेन द सक्शन पंप इज रिमूव, जब इस पंप को हमने यहाँ से हटा दिया है तो अब तो लिक्विड का लेवल बराबर होने की तरफ मूव करेगा, तो ये कह रहे हैं कॉलम ऑफ द मरकरी इन द यू ट्यूब एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो जरा मीन पोजिशन देखते हैं, तो अभी आराम से समझना इस बात को आप आराम से, मान लिया अभी इनके बीच में जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है, तो जब ये मीन पोजिशन गेन करेंगे, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, जब ये मीन पोजिशन गेन करेंगे तो लेवल का जो लेवल होगा वो इस लेवल पर आएगा, ये हो गया लेवल, ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करते करते धीरे 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 डैम्पिंग होगी और धीरे 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 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये एक लेवल एक्वायर कर लेंगे, वो लेवल ये होगा, तो इसको हम नाम देंगे मीन पोजीशन, ठीक। और उससे ये कितना ऊपर होगा, तो उससे जितना अभी ऊपर है इसका नाम दिया है मैंने एक्स, ठीक। उससे कितना ऊपर है एक्स, ठीक। ये भी डेफिनेटली कितना नीचे होगा, एक्स ही नीचे होगा जब ये एक्स ऊपर है, और हम देखते हैं कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अब ऑलरेडी अभी इसका लेवल यहाँ तक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लिक्विड इस ओरिजिनल लेवल से जितना ऊपर है, ये इसका लेवल यहाँ तक है, तो इसके ऊपर जितना लेवल का लिक्विड है ये, उसका जो वेट होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स देगा, लिक्विड कॉलम में जो एक्स्ट्रा लिक्विड है इसका जो वेट होगा वही तो रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा होगा, वही तो इसको नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा और कह रहा होगा उस तरफ जाओ, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिखोगे आप, वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड कॉलम, ठीक। कितना वेट होगा ये, तो ये जो लेंथ ही, अगर आपने ये एक्स माना मीन पोजीशन से, तो ये नीचे भी एक्स है, तो ये टोटल कितनी लेंथ है, ये टोटल लेंथ है आपकी 2x। तो वेट जो आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो बनेगा 2x, तो हो गई लेंथ इंटू ए मान लिया मैंने एरिया इंटू रो मान ली मैंने डेंसिटी इंटू जी हो गया अब ये वेट। और इस वेट को गौर से देखो, अगर हम 2a रो g अगर ये बाहर लिख लें तो बचेगा सिर्फ x रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स गौर से देखो x के ही प्रोपोर्शनल आ रहा है, और जब वो x के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो इसका मतलब SHM हो गया वो, और SHM का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, m होगा उसका पूरा मास, पूरे लिक्विड का मास, और जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 2a रो। तो इससे यहाँ से यहीं पे प्रूफ हो गया कि वो क्या करेगा, वो SHM करेगा, ठीक। इसको आप ये सक्शन पंप वगैरह, ये प्रेशर डिफरेंस, ये सब कुछ नहीं कहने की जगह आप सिंपली भी इसको ऐसे कह सकते थे, समझिए जरा इसको, कि सिंपली एक यूट्यूब है, उसमें मरकरी भरा हुआ है और शुरुआत में ऑब्वियसली लेवल जो रहेगा वो सेम ही होगा, जो लेवल इस मरकरी में इस लिम में होगा वही उस लिम में होगा। अब हमने क्या किया कि एक लिम में मरकरी को एक्स डिस्प्लेस किया, इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करके ऐसे बिना सक्शन पंप वगैरह लगाए ऐसे कह सकते थे कि एक लेवल में हमने मरकरी को
थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और आप ये प्रूफ कीजिए कि वो SHM होगा। तो जैसे ही मैंने इसको एक्स नीचे डिस्प्लेस किया, ये दूसरे लिम में अगर एरिया सेम है, सेम ही होगा, तो दूसरे लिम में ये अपनी इस पोजिशन से कितना ऊपर राइज कर जाएगा, एक्स यहाँ पहुँच जाएगा। ये जैसे ही मैंने इसको एक्स नीचे डिस्प्लेस किया, ये इस लिम में कितना ऊपर राइज कर जाएगा, एक्स। तो जो नया लेवल होगा इसका, ये लेवल होगा यहाँ पे, और ये इसका लेवल ये होगा। तो अब आप बताओ इस लिक्विड लिम वन और लिम टू में कितना लेवल का डिफरेंस हो जाएगा, तो लेवल का डिफरेंस 2x हो जाएगा। ये भी तो कितना होगा, x, और वो भी x है। तो जो जो 2x लिक्विड कॉलम का जो वेट होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स देगा, और 2x लिक्विड कॉलम का वेट कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगी लेंथ इंटू एरिया बन गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बन गया मास इंटू ग्रेविटी बन गया वेट, और यही क्या देगा, यही देगा आपको रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम फिर से वही करें कि 2a सिग्मा 2a रो x अलग कर लिया, 2a रो g अलग कर लिया और x मैंने अलग लिख लिया, तो अगर मैं दोनों पे वेक्टर लगाऊं तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। कैसे, समझिए जरा, इसमें डिस्प्लेसमेंट लिक्विड का हो रहा ऊपर की तरफ, और रिस्टोरिंग फोर्स जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, जो मोशन को रिस्टोर करा रहा है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो ये बन गया SHM का फोर्स कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू आप उसमें डाल दीजिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, 2π√ एम बाई के। ठीक, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। मान लिया यूट्यूब आपकी ऐसी है जिसमें ये बेसमेंट का कोई एरिया नहीं है, मतलब बेस नहीं है उसका, बस सिचुएशन ऐसी है कि एक लिम्ब है ऐसे और दूसरा लिम्ब यहां से बस ये दूसरा लिम्ब हो गया, मतलब इस तरह की यूट्यूब है ये। ठीक है, बॉटम में कोई लिक्विड नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, एक लिम्ब यहां खत्म होता है वहीं से तुरंत दूसरा लिम्ब चालू हो जाता है। तो अगर मुझे इसका मास निकालना है, मान लिया पहले लिक्विड कॉलम L लेंथ तक भरा हुआ था ये, ठीक है, डिस्प्लेस करने से पहले L लेंथ तक भरा हुआ था, फिर मैंने इसको X नीचे यहाँ डिस्प्लेस किया, वो X ऊपर गया और इसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। तो इसका अगर मुझे मास लिखना है तो मास मैं ले सकता हूँ 2L लेंथ हो गई इंटू एरिया वॉल्यूम बन गया इंटू डेंसिटी, और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2L a रो अपॉन 2a रो जी, तो 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो आपका आंसर आया 2π√L/g, और ये तो सिंपल पेंडुलम का ही टाइम पीरियड का रिजल्ट आ गया। ठीक, तो ये कब ट्रू होगा, ये तब ट्रू होगा जब बॉटम में कोई लिक्विड नहीं है, मतलब बॉटम में इस तरह का एक्सटेंशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, लेग लिम्ब यहाँ खत्म हुआ और वहीं से दूसरा लिम्ब जो है वो चालू हो जाता है। तो ये इसके जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आता है वो वही आता है जो कि सिंपल पेंडुलम का, 2π√L/g। क्लियर,